बंधु भगिनीयरे, कर्नाटक को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख आवश्यकता है। कर्नाटक का आतंकवाद से मुक्त रहना भी उतना ही जरूरी है। बीजेपी हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है, लेकिन जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। बंधु भगिनियरे, कर्नाटकवन्ना देशद नंबर वन राज्य माडबेकादरे सुरक्षेय व्यवस्थे, कानूनिन व्यवस्थेगे प्रथम आद्यतेयन्न नीडबेकागिदे। कर्नाटक आतंकवाददिंद ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಠೋರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, आज पूरा विश्व आतंकवाद के खतरे से चिंतित है। भारत में भी हम कई बार आतंकियों के दुष्कर्मों को झेल चुके हैं। इन हमलों में कितने ही निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। आतंकवाद मानवता विरोधी है, आतंकवाद जीवन मूल्य विरोधी है और आतंकवाद विकास विरोधी भी है। मैं ये देखकर हैरान हूं कि अपनी वोट बैंक की खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसी पार्टी क्या कभी भी कर्नाटक की रक्षा कर सकती है? कर्नाटक की रक्षा कांग्रेस कर सकती है? कर्नाटक के नागरिकों की रक्षा कर सकती है? भाइयों बहनों, आतंक के माहौल में यहां के उद्योग, यहां की आईटी इंडस्ट्री, यहां की खेती किसानी, यहां की गौरवमयी संस्कृति, सब कुछ तबाह हो जाएगी। वोट बैंक के डर की वजह से आज कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द बोलने की भी हिम्मत खो चुकी है। वोट बैंक की इसी राजनीति की वजह से कांग्रेस ने आतंकवाद को पाला पोसा और उसे पनाह दी। बदलते हुए इस समय में आज आतंकवाद का स्वरूप भी बदल रहा है। स्मगलिंग हो, ड्रग्स का कारोबार हो, सांप्रदायिक उन्माद हो, अब सबके तार कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़ते हैं। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेह तीरे, बम बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से
खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। बंधु भगिनियरे, इवत्तु इडी विश्व आतंकद भयदिंद चिंतितवागिदे। भारत इंतह आतंकद दुष्कर्मगळन्न अनुभविसिदे। ई आक्रमणदिंदागि एष्टो निर्दोषी नागरिकरु तम्म प्राणवन्न कळकोंडिद्दारे। आतंकवाद मानवतेय विरोधी, जीवन मौल्यगळ विरोधी, आतंकवाद विकासद विरोधियू कूड। ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೇನೆ। ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆತಂಕವಾದದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕುಳಿತಿದೆ। ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯ? ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಐಟಿ ಬಿಟಿ, ಕೃಷಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಮಯವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ। ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆತಂಕವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ। ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ರಾಜನೀತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಆತಂಕವಾದವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ। ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವಾದದ ಸ್ವರೂಪವು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ। ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್, ಡ್ರಗ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉನ್ಮಾದ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ। ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆತಂಕದ ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದೆ। ಬಾಂಬ್, ಬಂದೂಕು, ಪಿಸ್ತೂಲ್ನ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ವರ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ। ಇಂತಹದೇ ಆತಂಕದ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ। ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆತಂಕದ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ।
देश देश इतना इंत वो सुंदर राज्य अल जन पिश्रमी प्रतिभाशाली इंत केरल आतंक षड्यंत्र बेकु तरतीम बे कांग्रेस शब्दवन्नु मातनाडुत्तिल्ला बदलागी इंतह आतंक प्रवृत्तिय जोतेगे निंतिदे इष्टु मात्रवल्ल ई देशद आतंकद षड्यंत्रवन्न माडुववर जोतेगे कांग्रेस हिंबागिलिनिंद राजकीय ओप्पंदवन्न माडुत्ता इदे कर्नाटकद जनते ई कारणक्कागी एच्चरवहिसबेकादंत अगत्यविदे।